सो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगी इंग्लिश का, जो कि द फन दे हैड। इसमें मेनली फ्यूचर की बात होती है, जिसमें इसमें मेनली टू कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम है टॉमी, एक का नाम है मार्गी। मार्गी 11 ईयर्स की है और टॉमी 13 ईयर्स का। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। तो मार्गी अपनी डायरी लिख रही थी, तो उसने फर्स्ट डे डाली थी 17 मई 2157। ऑलमोस्ट ये यहाँ अभी से 150 ईयर्स बाद की स्टोरी है। और मार्गी ने फर्स्ट लाइन लिखी थी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो रियल बुक मतलब अपन हमेशा बुक्स पढ़ते हैं, तो रियल कैसे, उन्होंने कभी भी बुक्स नहीं देखी थी। वो अपना पूरा काम मतलब कंप्यूटर्स और उन्हीं में करते थे, तो इसलिए उन्होंने बोला रियल बुक। और फिर ये स्टोरी बिगिन होती है। अब जो मार्गी के दादाजी थे ना, उन्होंने बताया था कि जब मैं छोटा था तब है ना, जो स्टोरीज होती थी ना वो सारी प्रिंटेड आती थी। तो फिर उन्होंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, और वैसे उन्होंने देखा कि वो हंसने लग गए बुक के ऊपर, क्योंकि जो वर्ड्स थे ना उधर वो मतलब हिल नहीं रहे थे, मूव नहीं करते, और लैपटॉप में और ई टेक्स्ट होता तो वो मूव करते रहते हैं। तो टॉमी बोलता है कि ये तो एकदम वेस्ट है, किसी ने एक बार बुक पढ़ ली तो वो तो फेंक देगा बुक्स को। लेकिन मार्गी भी ऐसे बोली सेम विद माइंड कि मैं भी फेंक दूँ। बट फिर टॉमी बोला कि अपने लैपटॉप और कंप्यूटर्स में तो अपन बुक्स अपन फेंक नहीं सकते, वो टेली बुक्स होती हैं, और अपन मिलियंस ऑफ बुक्स ऐड भी कर सकते हैं। तो मार्गी ने पूछा इस बुक में है क्या, तो टॉमी ने बताया इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो मार्गी बहुत गंदा सा ऐसे रिएक्शन देती, कौन स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा। तो टॉमी बोलता है हाँ। तो फिर मार्गी ऐसा क्यों बोलती है, क्योंकि वो उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उनके जो टीचर्स होते वो ह्यूमन बींग नहीं होते थे, वो रोबोटिक टीचर्स होते थे। तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता था कि कोई रोबोटिक टीचर पढ़ाए, और है ना उस रोबोटिक टीचर है ना उसका बार बार जियोग्राफी टेस्ट लेता था, तो फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो फिर है ना उसकी मम्मा उसको डांटती थी, तो इसलिए उसको पढ़ना पसंद नहीं था। तो फिर है ना वो उसकी मम्मी परेशान हो रही थी कि उसके कम मार्क्स आ रहे हो, परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है। तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिकल टीचर होते हैं ना, उनको सही करने जो सही करता है मैकेनिकल टीचर को, उसको बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। तो वो काउंटी इंस्पेक्टर आया, और फिर है ना उसने मैगी को एप्पल दिया और वो टीचर को लेके चला गया, टीचर को लेके चला गया। फिर क्या हुआ, उस मार्गी ने सोचा कि अब ये ठीक नहीं होगा। मार्गी चाहती थी कि ये ठीक ना हो, ये वापस ना आए, ख़राब हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। वो एक आर में उसको लेके आ गया, और फिर मार्गी चाहती थी जैसे मेरे फ्रेंड के साथ टॉमी के साथ हुआ था, कि वो उसका एक बार टीचर ख़राब हो गया था, क्योंकि उसकी हिस्ट्री का जो डेटा था वो पूरा ब्लैंक हो गया था। तो फिर इसलिए उसको 1 मंथ के लिए, वो भी ऐसे चाहती थी कि वो भी है ना ख़राब हो जाए, आए नहीं। तो ऐसा हुआ नहीं, वो एक आर में वापस आ गया था। और फिर ये वापस अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर मैगी मार्गी वापस पूछती है कि है ना स्कूल के बारे में कौन क्या लिखेगा। तो टॉमी बोलता है स्टूपिड, वो अपने जैसा स्कूल नहीं है, मतलब बेसिकली अपनी अभी की बात चल रही है। और फिर है ना मार्गी बोल टॉमी बोलता है ना टीचर्स है ना वो ह्यूमन बींग होते थे। तो फिर मार्गी बोलती है कि टीचर ह्यूमन बींग कैसे हो सकते, क्योंकि वो तो इतने स्मार्ट नहीं होते, एकदम मैकेनिकल टीचर्स से कंपेयर करें तो इतने स्मार्ट नहीं होते। फिर टॉमी बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे जो फादर हैं वो मैकेनिकल टीचर जितने ही स्मार्ट हैं। तो फिर उसने बोला हाँ ठीक है। तो और मार्गी बोलती है कि है ना मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्ट्रेंजर मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए। तो टॉमी बोलता है ऐसा नहीं है, उसमें क्या होता है एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसमें किड्स और टीचर्स सारे मतलब एक जगह आते हैं, और उधर क्लासेस है ना एक एज के जो बच्चे होते हैं ना उनको सेम पढ़ाते हैं। तो फिर है ना मार्गी शॉक हो जाती है ऐसी बात सुन के, क्योंकि उनके तो अलग से एक वो अनलोन रहते हैं, एक रूम में जाकर पढ़ती है वो। और है ना फिर
मतलब उसको बुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, तो वो चाहते थे कि वो पूरी बुक पढ़े। तो उसने टॉमी से बुक ले ली, आधी भी बुक ख़त्म नहीं हुई थी। इतनी सी देर में उसकी मम्मी ने बुलाया उसको कि उसके स्कूल स्टार्ट हो गया, तो उसने मना कर दिया। फिर उसको मतलब ऐसे बोले तो वो चली गई, और उसकी जो क्लास थी वो जस्ट उसके बेडरूम के पास वाले रूम में थी, और वो कंप्यूटर्स में ऐसे क्लास लेती थी, उनके कोई अपने जैसे स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे। और फिर वो बता रही थी मैकेनिकल टीचर के बारे में कि एक फिक्स टाइम पे आता है, और सिर्फ इंस्टीट्यूट बस सैटरडे और संडे को ही नहीं आता, वरना ये हमेशा पढ़ाता है। और फिर है ना मैकेनिकल टीचर बोलते हैं कि चलो आज है ना मैथ्स पढ़ेंगे, और वो टॉपिक बताया एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिर है ना मार्गी, और फिर है ना मार्गी बोली, वो मतलब जो जैसा टीचर बोलता वैसे करने लगी। उसने बोला कि अपना मतलब होमवर्क इंसर्ट करो, उनको एक स्लॉट में होमवर्क और टेस्ट इंसर्ट करना पड़ता था। और वैसे उसको मैकेनिकल टीचर इतना बुरा नहीं लगता था, उसको बुरा इसलिए लगता था क्योंकि वो जो इंसर्ट होमवर्क और टेस्ट है ना स्लॉट्स में किए जाते थे ना, तो मतलब उनको टाइम नहीं लगता था चेक करने में, तो उसको वो पसंद नहीं था। तो वो अब ज़्यादातर है ना पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे रही थी, उसकी बात उसको उस बुक में ज़्यादा मतलब बुक के बारे में सोचती जा रही थी। तो फिर उस वो सोच रही थी कि है ना ये सारे बच्चे एक साथ क्लासमेट्स इकट्ठे होते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं, आपस में डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो फिर वो ये सोचती है, और फिर ख़त्म हो गई। थैंक यू।